सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, आप सबका मेरे YouTube चैनल क्लासी विद परमजीत कौर ते स्वागत है। बच्चों आज असि जो पढ़ जा रहे हैं जी इंग्लिश का चैप्टर जनरल इंग्लिश प्लस टू क्लास पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, थर्ड चैप्टर है द लिटरल थिंकिंग, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बच्चे की मतलब है कि डिफरेंट तरीके ना सोचना, थिंक डिफरेंटली, कि दूसरों के नालों कुछ बखरा सोचना, उसनों असं कहने थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। द लिटरल थिंकिंग, लिटरल का मतलब की है थिंक डिफरेंटली, बखरा सोचना। यह जो बच्चे चैप्टर है एडवर्ड डी बोनो का लिखा हुआ है। एडवर्ड डी बोनो ने एक अपना आर्टिकल लिखा बच्चे जिहड़ा कि थिंक पॉजिटिव डॉट कॉम पर है, जिहड़ा कि एडवर्ड डी बोनो ने लिखा है और उहदे विचों इह लैसन है जिहड़ा अडैप्ट किया गया लिया गया है। और ये बच्चे बहुत ही इंटरस्टिंग स्टोरिया ने। तो एडवर्ड डी बोनो है जिहड़ा वो ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर सीगे और उन्होंने साइकोलॉजी के पी एच डी की है और उन्होंने 40 बुक्स लिखिया। ठीक है, लिटरल थिंकिंग से उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इस जी लिटरल थिंकिंग से ज़्यादा लिखा है। तो उन्होंने वो आर्टिकल जो छपया हुआ तुम्हें दस थिंक पॉजिटिव डॉट कॉम के लिया। ये बच्चे दो इंटरस्टिंग स्टोरियां लिखिया गई हैं। पहली स्टोरी है एक फार्मर की डॉटर होंगी है जिड़ी के पैवल गेम होंगी है, पैवल गेम के जितती है, मतलब वो इन्नी इंपॉसीबल कंडीशन होंगी है वो, पर उन्हें पॉसीबल के चेंज कर लेती है अपनी थिंकिंग के नाल, और किसी ने सोचा ही नहीं होंगे कि इदा भी हो जाएगा और सारी सिचुएशन है जी उसकी बदल जाती है। दूसरी स्टोरी है बच्चे एक मिलेनियर है, लखपति है मतलब, और उन्हें नाम है थॉमस। उन्हें अपनी जी गड्डी सीगी फरारी बैंक के ग्रास के खड़ी करके जाता है जो उन्हें फॉरन जाना होंगे कि, और बहुत घट मतलब कि जे वह ग्रास के खड़ी करके जाता उसकी गड्डी उन्नी सेफ भी नहीं सी होनी और उन्होंने पैसे भी ज़्यादा देने पैने से, तो वह बैंक वाले कोई पता नहीं होंगे, बैंक तो लोन लेंदा और अपनी गड्डी उत्थे खड़ी कर जाता है। ठीक है, वह दो स्टोरिया बारे पढ़ा बच्चे, बहुत ही इंटरस्टिंग ने। लेट अस स्टार्ट विद दिस लैसन। हाँ जी, लैसन शुरू करने तो पहला बच्चे एक होर इंटरेस्टिंग चीज़ तुम दस दी है, जिदा तुम दसिया कि फार्मर की डॉटर से जोड़ी उन्हें इंपॉसीबल सिचुएशन कि पॉसीबल चेंज किया है ना। तो बच्चे जो असं देखिए इंपॉसीबल वर्ड में आई एम पॉसीबल, ये स्पैलिंग है जेडे वो शो करते हैं सानू कि मैं पॉसीबल है, जो कला कला करके देखिए आई एम पॉसीबल, कि जरा इंपॉसीबल शब्द है वह खुद कह रहा है कि मैं पॉसीबल है, कि इतने कुछ भी इंपॉसीबल नहीं है। तो इस तो सानू एक मोटिवेशन मिलती है जो असं अलग अलग करके पढ़ते हैं आई एम पॉसीबल, कि मैं पॉसीबल है, संभव है, असंभव कुछ नहीं है, हर एक चीज़ पॉसीबल है। सानू वो स्ट्रगल करनी चाहिए है और अपनी थिंकिंग उदा की रखनी चाहिए है ता कि असी हर चीज़ को प्राप्त कर सकिए। लेट अस स्टार्ट विद लैसन। Many years ago, in a small Indian village, a farmer had the misfortune of owing a large sum of money to a village money lender. किसी जी many many years ago, बहुत साल पहला एक farmer सीगा Indian village दे विच misfortune होंदा bad luck, owing मतलब उन्हें बहुत बड़ी रकम देनी सी, देना किसी का। एक money lender सीगा, money lender दा मतलब जरा शाहूकार है, शाहूकार तो उन्हें कर्जा लिया सी और वह जरा सीगा उन्हें वापस करना सीगा। द मनी लैंडर हू वॉज ओल्ड एंड अगली फैंसीड द फार्मर ब्यूटीफुल डॉटर, सो ही प्रपोज अ बारगेन, ही सैड ही वुड फॉरगो द फार्मर डेट इफ ही कुड मैरी द फार्मर डॉटर। बोथ द फार्मर एंड हिज डॉटर वर हॉरीफाइड बाय द प्रपोजल, सो द कनिंग मनी लैंडर सुजेस्टेड दैट दे लेट प्रोविडियंस डिसाइड द मैटर। की सी जी मनी लैंडर से जरा ओल्ड सीगा, बुढ़ा भी सीगा और बदसूरत सीगा, और उन्होंने की है जरा फार्मर की डॉटर होंगी है वह पसंद आ जाती है कि मैं फार्मर की डॉटर के नाल शादी कर ला, तो वो उसके सामने शर्त रख दिंदा है कि जरा तेरा कर्जा वो मैं माफ़ कर दूंगा, फॉरगो होंगे मतलब छट दूंगा, जो तेरे तो मैं कर्जा लेना है की करेंगा जेकर तू अपनी डॉटर की मैरिज है वो मेरे नाल कर दें। तो जड़े दोनों से फार्मर से उसकी डॉटर वो मतलब डर जाते हैं इस चीज़ तो जड़ा उन्हें प्रपोजल उन्होंने सामने रखिया। तो फिर जो कनिंग मनी लैंडर होंगे मतलब दुष्ट मनी शाहूकार है
ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਐਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਹੀ ਟੋਲਡ ਦੈਮ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਪੁੱਟ ਅ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲ ਐਂਡ ਅ ਵਾਈਟ ਪੈਬਲ ਇਨਟੂ ਐਨ ਐਮਪਟੀ ਮਨੀ ਬੈਗ ਦੈਨ ਦ ਗਰਲ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਟੂ ਪਿਕ ਵਨ ਪੈਬਲ ਫਰੋਮ ਦ ਬੈਗ ਇਫ ਸ਼ੀ ਪਿਕਡ ਦ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲ ਸ਼ੀ ਵੁੱਡ ਬਿਕਮ ਹਿਸ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਹਰ ਫਾਦਰਸ ਡੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰਿਟਨ ਆਫ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲ ਪਾਏਗਾ ਪੈਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟਾ ਸਟੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਪੱਥਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੈਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗਰਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕੱਢੇ ਚਾਹੇ ਵਾਈਟ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਫ ਸ਼ੀ ਪਿਕਡ ਦ ਵਾਈਟ ਪੈਬਲ ਸ਼ੀ ਨੀਡ ਨਾਟ ਮੈਰੀ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹਰ ਫਾਦਰਸ ਡੈਟ ਵੁੱਡ ਸਟਿਲ ਬੀ ਰਿਟਨ ਆਫ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਪੈਬਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬਟ ਇਫ ਸ਼ੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਪਿਕ ਅ ਪੈਬਲ ਹਰ ਫਾਦਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਥਰੋਨ ਇਨ ਟੂ ਜੇਲ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਬਲ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤਿੰਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਵਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਅ ਪੈਬਲ ਸਟ੍ਰਿਊਨ ਪਾਥ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਫੀਲਡ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਪੈਬਲ ਸਟ੍ਰਿਊਨ ਪਾਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਦੇ ਟਾਕ ਦ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਵੈਂਟ ਓਵਰ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ ਟੂ ਪੈਬਲਸ ਐਜ਼ ਹੀ ਪਿਕਡ them ਅਪ ਦ ਸ਼ਾਰਪ ਆਈਡ ਗਰਲ ਨੋਟਿਸਡ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਪਿਕਡ ਅਪ ਟੂ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲਸ ਐਂਡ ਪੁੱਟ them ਇਨਟੂ ਦ ਬੈਗ ਹੀ ਦੈਨ ਆਸਕਡ ਦ ਗਰਲ ਟੂ ਪਿਕ ਅ ਪੈਬਲ ਫਰੋਮ ਦ ਬੈਗ ਨਾਓ ਇਮੇਜਿਨ ਯੂ ਵਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਡ ਬੀਨ ਦ ਗਰਲ ਇਫ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਐਡਵਾਈਸ ਹਰ ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਦੋਨੋਂ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗਰਲ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਹਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡਵਰਡ ਡੀ ਵਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਥ੍ਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦ ਗਰਲ ਸ਼ੁਡ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਪੈਬਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਬਲ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਈਟ ਪੈਬਲ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬਲੈਕ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਦ ਗਰਲ ਸ਼ੁਡ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਵਰ ਟੂ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲਸ ਇਨ ਦ ਬੈਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਦ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਟ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲ ਪਾਏ ਆ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਟਰ ਹੈ ਦ ਗਰਲ ਸ਼ੁਡ ਪਿਕ ਅ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲ ਐਂਡ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹਰਸੈਲਫ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸੇਵ ਹਰ ਫਾਦਰ ਫਰੋਮ ਡੈਥ ਐਂਡ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਜੇ ਬਲੈਕ ਪੈਬਲ ਚੁੱਕੇਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਤਿੰਨੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਟੇਕ ਅ ਮੂਮੈਂਟ ਟੂ ਪੋਂਡਰ ਓਵਰ ਦ ਸਟੋਰੀ ਦ ਅਬਵ ਸਟੋਰੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦ ਹੋਪ ਦੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅਸ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲਿਟਰਲ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕ ਦ ਗਰਲਸ ਡਾਇਲਮਾ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੋਲਵਡ ਵਿਦ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਂਡਰ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਿਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲੌਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਜੀਕ ਲਗਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਇਫ ਸ਼ੀ ਚੂਜ਼ਸ ਦ ਅਬਵ ਲੌਜੀਕਲ ਆਨਸਰਸ
कहते कॉन्सीकुएंसिज होंगे बच्चे रिजल्ट नतीजे की निकलने कहते उन्होंने रिजल्ट बारे सोचो उन्होंने नतीजे बारे सोचो जी वो जो तीनों लॉजिकल आंसर असं लगाए ने कि वो मतलब कि उन्होंने झूठा साबित कर दे उन्हें मतलब चीट किया साढ़े न है ना तीनों सिचुएशन के बारे कि चूज करूगी बट वुड यू रिकमेंड द गर्ल टू डू तुम की रिकमेंड करते हो गर्ल न कि वह की करे थोड़ा की विचार है ये बारे दैट इज वट द गर्ल एक्चुअली डिट दिस इज वट द गर्ल एक्चुअली डिट ये जो लड़की ने असल की किया उन्हें जी द गर्ल पुट हर हैंड इन टू द मनी बैग एंड ड्र्यू आउट अ पैबल की करती है मनी बैग के पैबल है जोड़ा वह कड़ ली है कड़ ली तो हम की करना उन्होंने क्योंकि ब्लैक पैबल ही आऊगा वो हाथ से तो उन्होंने मैरिज करनी पाएगी पर देखो कि मतलब वो जड़ी थिंकिंग सी कि वक्री सी सब ना उन्हें की किया उन्हें एक पैबल चुकया विदाउट लुकिंग एट इट शी फंबल्ड एंड लैट इट फॉल ऑन टू द पैबल स्ट्रून पाथ वेयर इट इमीजिएटली बिकेम लॉस्ट अमंग ऑल द अदर पैबल्स की करती है वह पैबल को चुकती है बिना देखे उस जड़ा कवर्ड पाथ सी पैबल्स के नाल ढकिया हुआ पूरा उत्थे सुट दिंदी है और जल्दी ही जो पैबल हों उन्होंने नाल ही मिल जाता है और पता ही नहीं लग रहा उन्होंने किड़ा पैबल गया है ना Oh, how clumsy of me, she said. But never mind. If you look into the bag for the one that is left, you will be able to tell which pebble I picked. Aur ki siga, unhe ki kiya? Kehne tu apne dimag na soch vi ki main keda chukya hoga. Tu apne bag de vich dekh hun keda bag de vich ki rahoga kyunki black hi paaye si unhe black hoga. It means girl ne jehda kudde ho keda white hai. Je oh eh kehnda ki nahi black hi unhe sutya hai ta oh jhootha kehnda hai money lender hai jehda. Since the remaining pebble is black. It must be assumed that she had picked the white one, and since the money lender dared not admit his dishonesty, the girl changed what seemed an impossible situation into an extremely advantageous one. What does this story teach us? Is it that the most complex problems do have a solution? It is only that we don't attempt to think in that direction. It teaches us to think. आउट ऑफ द बॉक्स और थिंक लिटरली की होया जी हूँ जो तो झूठा पैंता जो वह कह दिता कि उन्हें ब्लैक सुटिया तो इट मीनज उन्होंने एडमिट करना पाया शाहूकार के गर्ल ने जोड़ा वह वाइट पैबल ही चुकया और उन्हें देखो कि इंपॉसीबल सिचुएशन सी और उन्होंने एक नॉर्मल जी सिचुएशन बनाता और इस स्टोरी तो की सिक्ख्या मिलती है सानू कि जड़िया भी कंपलैक्स तो कंपलैक्स सिचुएशन ने उन्हों का भी सल्यूशन होंगे और अगे है जी उन्होंने दिता वट इज लिटरल थिंकिंग कि लिटरल थिंकिंग है की चीज़ है लिटरल थिंकिंग इज क्रिएटिव और नॉन लीनियर थिंकिंग इट इज थिंकिंग डिफरेंटली और डूइंग समथिंग डिफरेंट डूइंग समथिंग दैट माइट बी क्वाइट नॉवल एंड अनकन्वेंशनल इन नेचर की है जी कि सब तो वक्रे तरीके ना सोचना सब तो वक्रा कर देना और जड़ा कि जड़ा पहला तो चलिया आ रहा है अनकन्वेंशनल तरीके दे नाल मतलब उन्होंने सुभाविक तरीके दे नाल सिचुएशन नू की है उस सिचुएशन दे विचों निकल जाना डिफिकल्ट सिचुएशन दे विचों ओनू असी लेटरल थिंकिंग कहने अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी बोनो हू प्रोपेगेटेड दिस नोशन इंटेलिजेंस इज अ पोटेंशियल दैट ऑल ऑफ अस हैव एंड थिंकिंग इज अ स्किल टू यूज दैट पोटेंशियल वेल एडवर्ड डी बोनो की कहता है जो दी नोशन है उदेच की है कि इंटेलिजेंसी है जिहड़ी साडी बुद्धिमानी है बुद्धिमती है मतलब बुद्धि जिहड़ी साडी काम करदी आ उहदे विच ताकत है किद्दां दी कि असी सारे दे विच साडी सोचण दी स्किल है कि असी सब दी जिहड़ी सोचणी आ उह अलग अलग हुंदी आ सब दी इक्को जिही नहीं हुंदी सारिआं दे विच इह पोटेंशियल ताकत है सारिआं दी इह सोचण इट चैनल्स अवर इंटैलीजेंस एप्रोप्रिएटली इह की आ साडी जिहड़ी इंटैलीजेंसी है उहनूं एप्रोप्रिएटली चैनल वाइज करदा है काम मतलब चैनलाइज कर दिंदा है कि किद्दां असी सोचदे आ वन मे बी अ गुड थिंकर without being an intellectual and vice versa ek kehnda koi good thinker ho sakda hai bhavein oh intelligent nahi hai bahut intelligent na bhi hove par ohi sochni changi ho sakdi hai good thinker matlab jehdi at a time kam kar jave saadi thinking ta oh zyada vadiya here is another story that illustrates the use of lateral thinking ek kehnde hor story hai dusri story aagi bacche ta ek story si girl di dusri aagi A millionaire named Thoms walked into a popular bank in the middle of New York City
and requested to speak to a loan officer. He did not inform the staff of his immense riches, but he simply said that he was going away on business of a few weeks to another country and needed to borrow a small sum of money, $5,000. Banks being banks, they immediately asked for security on the loan. किसी जी मिलेनियर थॉमस है जो बैंक के जाता है कितों के बैंक के जो न्यूयॉर्क सिटी के और लोन ऑफिसर बोलता है कि मेरे को पैसा नहीं है मैं बाहर जाना है तो मैं $5,000 है जो लोन चाहिए बैंक तो अगर बैंक ही है तो बैंक की मंगता तो सिक्योरिटी मंगता है कि सानू सिक्योरिटी के लिए कुछ दिता जाए तो लोन असी दे देंगे. थॉमस पॉइंटेड आउट ऑफ द विंडो टू द शाइनी न्यू फरारी पार्क्ड राइट इन फ्रंट ऑफ द बैंक. तो जो बैंक ने मतलब उन्होंने मंगिया वो तो कागज मंगे तो उन्हें की किया विंडो तो बाहर अपनी फरारी कार दिखाती बिल्कुल न्यू ब्रांड सी कि वो है. तो ही टुक द टाइटल पेपर वर्क एंड कीज आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड स्लैप दैम डाउन ऑन द काउंटर लाइक अ मैन ऑन अ मिशन. स्लैप दैम हों बच्चे प्लेस कर देना रखता. उन्हें की किया सारे कागज कटे जो भी गड्डी के नाल ही उन्होंने चाबियां अपनी पॉकेट के कढ़िया तो उन्होंने उत्थे काउंटर से रखती. The staff went to work checking out the validity of his ownership and sure enough everything was checked out and of course which bank was going to turn down a quarter of a million dollars in collateral security for a mere $5,000 loan. To ki si ga bank nu ta matlab million dollars di gaddi mil gayi security de taur te sirf loan kinna dena si 5000 loan dena si ga. Thoms left the bank with his $5,000 and bank employee took Thomas keys and drove the brand new Ferrari down into the bank's underground grass. किसी का थॉमस ने $5,000 लिया ते जड़ा बैंक का इंप्लाई सी का उन्हें की किता थॉमस तो चाबियां लिया चाबियां लेके और उदी जड़ी फरारी गड्डी सी नवी बिल्कुल न्यू ब्रांड उन्हें चला के किथे लगाता अपने अंडरग्राउंड गैराज बनिया सी उथे लगाता. He assured Thomas that it would be perfectly safe down there. और उन्होंने की अश्योर करवाया थॉमस नो कि तेरी गड्डी है जी बिल्कुल सेफ रही. थॉमस दैन लैफ्ट द बैंक एंड कॉच हिज फ्लाइट टू हिज फार अवे लैंड. और थॉमस ने की किया बैंक छड़िया और अपनी फ्लाइट ली और चला गया जिते उन्हें जाना. एनी वे टू वीक्स वेंट बाय एंड श्योर इनफ द बैंक ओपन मंडे मॉर्निंग टू सी थॉमस स्ट्रॉल इन एंड स्लैप द $5,000 ही हैड बोरोड बैक ऑन द काउंटर प्लस द इंटरस्ट विच वॉज अराउंड $15. की होया किन्ने चिर बाद आ जाता है दो हफ्ते के बाद वापस आंदा है जो बैंक खुलता है मंडे नू तो आंदा है और थॉमस की करता है $5,000 जो लैके गया होंगे तो जो इंटरस्ट बनया होंगे 15 दिन का $15 वो आके की करता उन्होंने काउंटर से रख दिता है. द लोन ऑफिसर आस्ड फॉर द कार टू बी ब्रॉट राउंड टू द फ्रंट ऑफ द बैंक एंड दैन आस्ड थॉमस अ क्वेश्चन. Our bank prides itself in details and customer services, he said. And while you were away, we did a background check. It is routine and discovered you are actually one of the wealthiest men in America. Why on earth would you need to borrow $5,000? It just does not make sense. Ki karda ji loan officer ho to puchta hai. Jadon car leke janda matlab Thomas to question puchta hai. Kehna ek question puchna hai. कि साडा बैंक है जो बहुत ही माण महसूस करता है कि जरा डिटेल्स ऑफ कस्टमर सर्विसिज जड़िया गाहक ने गए सेवा लेंगे उन्होंने सारी डिटेल लेंगे तो जो कहते चले गए तो बैकग्राउंड चैक इट इज़ रूटीन कि साड़ी रूटीन है तो असी डिस्कवर किया ये बारे पता किया कि तुम तो की है जे अमेरिका के वेल्दीएसट मैन ने वेल्दीएसट मीनिंग अमीर लोग ने उन्होंने एक है तो फिर थानू की जरूरत पैगी कि $5,000 असी जो लैके जाना इतों कोई सेंस तो बनती नहीं कि तो $5,000 की लड़ इन्नी ज़्यादा पैगी होएगी कि तुम अपनी इन्नी कीमती गड्डी साढ़े को अपनी जी सी रख के गए. थॉमस स्माइल पिकड अप द कीज फ्रॉम द कस्टमर एंड सैड कैन यू टैल मी अनदर वे आई कुड हैव पार्क माई न्यू फरारी इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क फॉर टू वीक्स फॉर जस्ट $15 and still expect to get it back in top condition. With that, Thoms walked out of the door and the loan officer smiled a bigger smile. The Thoms ki karda muskura ke kehnda hai kehnda ki tusi soch sakde ho apniyan keys utho chukda hai
और बैंक ऑफिसर कहना कि तुम मैं होर रास्ता कोई दसो, इस तो सौखा रास्ता कोई है सी? कहना गराज के मैं अपनी गड्डी खड़ी करके जाता इन्ने घट किराए के, सिर्फ $15 के 15 दिन मेरी गड्डी रही और वो भी बिल्कुल सेफ। जे कहना दूसरी जगह मैं कितने खड़े करता तो उत्थे मेरी गड्डी सेफ भी नहीं सी होनी, ऐदा दी टॉप कंडीशन च मैनू गड्डी वापस नहीं सी मिल सकती जे मैं कितने होर खड़ी करके जाता। ये भी की सीगा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स सीगा कि उन्हें सब तो डिफरेंट तरीके नाल सोचिया है ना कि बैंक के कोल जाओ लोन लै लो और गड्डी नूं अपनी नूं सुरक्षित खड़ी करो। और इस ते मतलब उहदी जिहड़ा थिंकिंग सी उहते जिहड़ा बैंक ऑफिसर सीगा उही स्माइल करदा है कि वाह की गल है ना। Examples of applications of lateral or non-linear thinking abound in several fields. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ examples ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ lateral thinking ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ। In cricket, Carey Packer introduced day and night matches and colorful walls and clothing. A departure from tradition that became so successful that the whole world of cricket adopted it. किसी का क्रिकेट के फील्ड के विच भी किने काम किया, कैरी पैकर ने। कैरी पैकर ने की किया सी डे नाइट के मैच सी जड़े इंट्रोड्यूस कराए सी और कादे नाल कलरफुल बॉल्स दे नाल खेले जाते सी एंड क्लोथिंग डिपार्चर फ्रॉम और की सी ओ तो हट के सी जड़ी ट्रेडिशनल गेम सी क्रिकेट कि सारे फिर की होया वो इन्नी सक्सैसफुल हुई तो सारे वर्ल्ड के विच उन्हूं अडोप्ट किया गया, उसे नूं मतलब कि लागू कर दिता गया। ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली एक्सपैरिमेंटेड विद टू डिफरेंट कैप्टन्स फॉर द टेस्ट एंड वन डे मैचिज, नाउ डेज द T20 मैचिज हैव बिकम अ रेस। ऑस्ट्रेलिया ने भी की किया फिर इस एक्सपैरीमेंट किया दो डिफरेंट कैप्टन्स नूं लैके और टेस्ट फॉर द टेस्ट टेस्ट मैच के लिए और वन डे मैचिज करवाने शुरू किए उन्होंने और हुण की ने वन डे मैचिज ने जोड़े ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और T20 है जोड़े वह मैच है जोड़े मतलब खेले जा लग गए। लेटरल थिंकिंग एक्सपर्ट एडवर्ड डी बोनो सेज विद लॉजिक यू स्टार्ट विद सर्टन इनग्रीडियंट्स जस्ट एज इन चैस यू स्टार्ट आउट विद गिवन पीसिस बट वट आर दोज पीसिस। In most real life situations, the pieces are not given. Just assume they are there. We assume certain perception, concepts and boundaries. Lateral thinking da jada expert hai De Bono ki kehnda hai logic de naal kehnda tusi kuch ka ingredient leke shuru karo is cheez nu just as chess jive chess de vich hai given pieces thode je pieces ditte jaan unna de naal start karna chahida और उन्हां पीसिस दे की है व्हाट आर दोज पीसिस वो पीस की ने। मोस्ट रियल लाइफ सिचुएशन वो छोटे छोटे जड़े पीस ने वो साड़ियां जड़ियां रियल लाइफ सिचुएशन ने असली जीवन दियां सिचुएशनस ने उन्हां दे विचों कढ़न दा भी काम करदियां ने कि असी किस तरह चैस खेलदे होए सोच रहे हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन चों किवें निकलना है, उस तरह कहिंदे साड़ी लाइफ है। तो जे पीसिस ना दिते जाण द पीसिज आर नॉट गिवन जस्ट अज्यूम पीसिज नहीं सानू दिते गए वो चैस दे किवें निकल रहे हैं, सिर्फ उन्हों अज्यूम करो मनो कि वह पीस सानू दिते जांदे असीं उहदे विचों किवें सिचुएशन चों निकलते हैं रियल लाइफ के विचों उस सिचुएशन के विचों निकलने किवें संघर्ष करना है असीं किवें डिफरेंट सोचना है वह चीज़ उन्हें कही है। और सानू यह मनना पएगा कि कुछ परसैप्शन ने कंसैप्ट ने ते बाउंडरीज ने गियां उन्होंने बाउंडरीज के विच रह के असीं उस सिचुएशन के विचों निकलना है। वन इज ऑलवेज कन्फ्यूजिंग कंडीशन थिंकिंग विद क्रिएटिव थिंकिंग। डी वोनो एक्सप्लेन्स दैट लेटरल थिंकिंग इज कंसर्न्ड नॉट विद प्लेइंग विद द एग्जिस्टिंग पीसिस बट विद सीकिंग टू चेज दोज वेरी पीसिस। इट इज कंसर्न्ड विद द परसैप्शन पार्ट ऑफ थिंकिंग कि है जो सानू पीसिस दिते गए मतलब जो सिचुएशन दिती गई है वो तो डिफरेंट सोच के असी उस सिचुएशन के विचों निकलना है जिहड़े पीस साडे कोल है भी नहीं है। ठीक है तो अंदाजा लगाना इट इज कंसर्न विद द परसैप्शन अंदाजा लगाना की हैगा थिंकिंग द पार्ट है कि किवें असी उहदे बारे सोचना है उस सिचुएशन के विचों मुश्किल सिचुएशन के विचों किवें निकलना है ये सारा इस चैप्टर तो सानूं पता चलता है। बच्चे उम्मीद है तुसीं इहनूं चंगी तरह समझ लिया होगा। बच्चे ये क्वेश्चन ने जिहड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ने गे
के जड़ी गर्ल सी थी, हाउ डिड द गर्ल इंटेलिजेंटली विन, किवें वो जीती है इस गेम नू, पैवल गेम नू। और दूसरा हैगा हाउ डिड लेटरल थिंकिंग हेल्प द मिलेनियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। थीम ऑफ द चैप्टर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड नाउ टू क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मच लोन डिड थॉमस गेट फ्रॉम द बैंक। सेकेंड है जी, आफ्टर हाउ मैनी डेज ही रिटर्न फ्रॉम द अवॉर्ड। ये दो क्वेश्चन के आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स के देने हैं जी। वीडियो वो तो लाइक कमेंट से शेयर करना, चैनल में सबसक्राइब करना बच्चे, तो बैल आइकॉन दबा लेना ता जो आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन थोड़े तक पहुँच सके बच्चे। वीडियो अगे तो वह शेयर कराया करो बच्चे, जो जो बाकी के बच्चे भी ने वो इन्हों तो ज़्यादा फायदा उठा सकन बच्चे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।